हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में Redmi Note 11 और Redmi Note 11s का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं एंड साथ में इन दोनों मोबाइल का एंटूटु टेस्ट एंड डाउनलोडिंग टेस्ट भी दिखाने वाला हूं। और दोस्तों ये दोनों मोबाइल में से Redmi Note 11 4GB 64GB वेरिएंट वाला मोबाइल है एंड Redmi Note 11s 6GB 64GB वेरिएंट वाला मोबाइल है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों फर्स्ट हम इन दोनों मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे पहले ऑन होता है एंड कौन सा मोबाइल सबसे लास्ट में ऑन होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले Redmi Note 11s स्विच ऑन हो चुका है एंड इसके बाद Redmi Note 11 भी स्विच ऑन हो चुका है। अब सेकेंड टेस्ट में हम इन दोनों मोबाइल का एंटूटु टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का एंटूटु स्कोर ज़्यादा है और कौन से मोबाइल का एंटूटु स्कोर कम है। तो दोनों मोबाइल का एंटूटु टेस्ट हो चुका है जिसमें Redmi Note 11 का एंटूटु स्कोर 224,000 है एंड Redmi Note 11s का एंटूटु स्कोर 276,000 है। मतलब कि दोस्तों Redmi Note 11s का एंटूटु स्कोर Redmi Note 11 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन दोनों मोबाइल में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक फास्ट है। दोस्तों वैसे दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक अच्छे हैं, लेकिन Redmi Note 11s का फिंगरप्रिंट Redmi Note 11 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा फास्ट है एंड दोनों मोबाइल के फेस अनलॉक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन दोनों मोबाइल में डाउनलोडिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल फास्ट है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इन दोनों मोबाइल को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब चलो डाउनलोडिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट रन में सबसे पहले Redmi Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है, फिर Redmi Note 11s में हुई है। अब सेकेंड रन में देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों सेकेंड रन में भी सबसे पहले Redmi Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Redmi Note 11s में ऐप डाउनलोड हुई है। अब देखते हैं कि लास्ट रन में क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों लास्ट राउंड में भी इस बार सबसे पहले Redmi Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Redmi Note 11s में ऐप डाउनलोड हुई है। तो सिंपल बात है दोस्तों, डाउनलोडिंग स्पीड Redmi Note 11 की अच्छी है क्योंकि ये तीनों राउंड में फर्स्ट आया है। अब नेक्स्ट हम इन दोनों मोबाइल में ऐप्स ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल ऐप्स ओपन करने में फास्ट है। We'll be right back.
तो दोस्तों टोटल 15 ऐप्स हैं, जिसमें से 2 ऐप सबसे पहले Redmi Note 11 में ओपन हुई है और 11 ऐप सबसे पहले Redmi Note 11s में ओपन हुई है और बाकी के 2 ऐप्स में टाई हुई है, मतलब कि दोनों मोबाइल में सेम टाइम पर ऐप्स ओपन हुई है। मतलब कि दोस्तों ऐप्स ओपन एंड लोड करने में Redmi Note 11 अच्छा है। और अब लास्ट टेस्ट में हम इन दोनों मोबाइल का रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल बैकग्राउंड में ऐप्स रन करने में अच्छा है। तो दोस्तों दोनों मोबाइल में 5 में से एक एक ऐप बैकग्राउंड में चल रहा था, मतलब कि ऐप्स को बैकग्राउंड में रन करने में दोनों मोबाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दोस्तों ये था Redmi Note 11 और Redmi Note 11s का कंपैरिजन वीडियो। वैसे दोस्तों दोनों मोबाइल फास्ट एंड अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी मोबाइल को खरीद सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।